नमस्कार। ओम साई राम। साई समर शक्ति चैनल में सभी साई भक्तों का स्वागत है। इस विधि से साई बाबा की पूजा करने से घर में होता है माँ लक्ष्मी का वास। हमारे भारत की संस्कृति में कई ऐसे महान छवि है जिन्हें भगवान का स्वरूप माना जाता है, जिनमें से एक है साई बाबा, जिन्हें हर कोई अपना भगवान मानता है, अल्लाह मानता है और उनकी पूजा करता है। गुरुवार का दिन साई बाबा का माना जाता है। इस दिन लोग उनकी आराधना करते हैं, उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का निवेदन करते हैं। यदि आप गुरुवार के दिन साई बाबा की पूजा और ध्यान करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि यह दिन साई बाबा के नाम से बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि गुरुवार के दिन आप किस तरह पूजा करके व्रत रखकर साई बाबा को खुश कर सकते हैं, किस तरह इनकी पूजा करने की विधि है, किस तरह साई बाबा के नाम से व्रत रखा जाता है। हमारी संस्कृति और धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि यदि आप साई बाबा के व्रत की शुरुआत करते हैं तो आपको लगातार 9 गुरुवार तक साई बाबा के नाम से व्रत रखना चाहिए। साई बाबा का व्रत रखने के लिए सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद साई बाबा की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय मूर्ति के नीचे आपको पीले रंग का वस्त्र रखना चाहिए और फिर फूलों की माला साई बाबा पर चढ़ाने चाहिए। साथ ही स्वच्छ पानी से तस्वीर को अच्छी तरह से पोंछकर उस पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। पूजा करते समय आपको ध्यान रखना है कि घी का ही दीपक जलाए। गुरुवार के दिन घी का दिया और साई बाबा की पूजा बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। दिया जलाने के बाद आप साई बाबा की कथा पढ़े और साई बाबा का मन ही मन ध्यान करें। गुरुवार के दिन आपको पीले वस्त्र जरूर पहनने चाहिए, यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही पूजा के भोग के लिए आपको बेसन के लड्डू या फिर किसी मिठाई का इस्तेमाल करना चाहिए और साई बाबा को भोग लगाना चाहिए। बाबा को भोग लगाने के बाद आप उस मिठाई या लड्डू को लोगों में या परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दें। साई बाबा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उनके भक्त भूखे पेट रहकर उनकी आराधना करें या उनकी पूजा करें। बाबा हमेशा अपने भक्तों को सिखाते थे कि भूखे पेट से पूजा नहीं होती। यदि आपका मन शांत है तो आप किसी भी चीज़ में अपना ध्यान लगा सकते हैं। इस व्रत के दौरान आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन व्रत के अलावा भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिनका इस्तेमाल करने से साई बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके घर में साई बाबा की पूजा लंबे समय से होती आ रही है या जो साई बाबा के परम भक्त है, उनको बहुत ही अच्छे से पता है कि साई बाबा को पालक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए गुरुवार के दिन भक्तों को साई बाबा के ऊपर पालक का चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन साई बाबा को भोग में या उनके चढ़ावे में मीठा भी अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो साई बाबा छोटी छोटी बातों से ही अपने भक्तों से खुश हो जाते हैं। यदि आप साई बाबा को खिचड़ी का भोग लगाए तो वह भी और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही ध्यान रखिए कि उसमें नारियल इस्तेमाल ज़रूर हो, क्योंकि साई बाबा को खिचड़ी के साथ नारियल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साई बाबा जी का यह व्रत यह पूजा कोई भी जाति धर्म के पुरुष व महिला कर सकती है। बाबा की एक बात सबके मन को छू जाती है। बाबा कहते थे कि सबका मालिक एक है, जो कि हर जाति धर्म के व्यक्ति के मन को छू जाती थी। गुरुवार के दिन बाबा का व्रत पूरा होने के बाद अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ किसी गरीब असहाय लोगों को भोजन करते हैं तो वह काफ़ी शुभ माना जाता है। साथ ही साई बाबा की कृपा भी आप पर बनी रहती है। ओम साई राम।